नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है एमपी के नंबर 1 बुलेटिन। एमपी में क्या हुआ खास का, दिन भर की भागदौड़ के बाद एक जगह आपको मिलेगी एमपी की पूरी खबरों का A to Z अपडेट। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं शाम की 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर आपको बताएं, दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी का मंथन चल रहा है। और वहीं दूसरी खबर आपको बताएं कि भीषण आग में मंत्रालय भवन जो है वो जल गया, भोपाल से यह खबर थी। वहीं तीसरी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। चौथी खबर की अगर हम बात करें तो इंदौर और सागर में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो 7 बजे की 7 बड़ी खबरें आपको बता रहे। गुना में शमशान में तांत्रिक क्रिया की गई है और इस पर एक्शन भी लिया गया। वहीं 6वीं खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले वंदे भारत की सौगात एक बार फिर से मिल गई है। और 7वीं और आखिरी खबर, बाबा महाकाल की सहरा आरती की गई धूमधाम से। सहरा आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भिंड से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता के बेटे की हत्या का ये मामला है। भिंड पुलिस ने सीआरपीएफ की कंपनी बुलाई है, शांति व्यवस्था बनाए रखने सीआरपीएफ बुलाई गई है। सीआरपीएफ जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। कल बीजेपी नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या हुई थी। आपको बता दें कि इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली थी भिंड में सीआरपीएफ। आपको बता दें कि बीजेपी नेता की बेटी की हत्या का ये पूरा मामला, और इस मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस ने सीआरपीएफ की कंपनी बुलाई है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की कंपनी जो है वो बुलाई गई है। सीआरपीएफ जवानों ने आपको बता दें शहर में फ्लैग मार्च निकाला है और पूरी जो व्यवस्थाएं है वहां पर माहौल है इस पर पैनी नजर इस दौरान रखी जा रही है। तो भिंड से तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको खबर दिखाई थी जहां पर बीजेपी नेता के बेटे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लगातार सियासी बयानबाजी भी सामने आई। और अब बेकाबू रफ्तार की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको सागर से दिखाएंगे जहां पर बेकाबू कार ने युवक को टक्कर मार दी है। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कार समेत चालक मौके से फरार हो गया। देवरी थाने के नगर पालिका चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जो है वो फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। दूसरी तस्वीर आपको इंदौर से दिखा रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कार ने अन्य 3 वाहनों को भी टक्कर मारी है। तो मध्य प्रदेश के सागर और इंदौर से ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेकाबू रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। और मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में आज भीषण आग लगी। पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं भोपाल से, जहां वल्लभ भवन में भीषण आग लग गई। सेना, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। आग लगने से कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए। घटना को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश भी जारी किए हैं। वहीं आग को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इधर मिनी मुंबई में मेले के दौरान भीषण आग लगी। 2 तस्वीरें आपको भोपाल और इंदौर से दिखा रहे हैं। फिलहाल इंदौर की तस्वीर आप देखिए जहां पर भीषण आग लगी मेले के दौरान। प्राचीन मंदिर पर मेले का आयोजन किया जा रहा था और तभी यह हादसा हुआ। तीसरी तस्वीर आपको ग्वालियर से दिखा रहे हैं जहां पर गोविंदपुरा इलाके में जहां एक बिल्डिंग के दूसरे माले में भीषण आग लगी। आनन फानन में वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर आग बुझाने पहुंचे 2 फायरकर्मी सिलेंडर में ब्लास्ट से झुलस गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। और बताया जा रहा है कि आग से लाखों रुपए का माल जो है वो जलकर खाक हो गया। फिलहाल 3 शहर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। भोपाल के वल्लभ भवन में आज भीषण आग लगी। सेना, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से कई दस्तावेज जो हैं वो जलकर खाक हो गए। वल्लभ भवन में लगी आग की चपेट में आने से फायर सेफ्टी एक्सपर्ट और एसडीआरएफ का एक जवान भी घायल हो गया है।
जलती इन तस्वीरों को देखिए। ये मध्य प्रदेश का मंत्रालय वल्लभ भवन है, जहां आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलती मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के साथ सेना की टीम ने आग पर काबू पाया। आग की चपेट में कई अधिकारियों के कक्ष आ गए, साथ ही कुछ कर्मचारी भी झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंत्रालय के मुख्यमंत्री सचिवालय के रिकॉर्ड रूम में रखे कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए, और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले इसका भी ध्यान रखें। वहीं दूसरी ओर आग हादसे के बाद सियासत शुरू हो गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेस नेता हादसे के बाद वल्लभ भवन के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन की फाइलें जला रही है, प्रदेशवासियों समझो, ये लगातार पांचवी बार वल्लभ भवन को जलाया गया है। बता दें कि 12 जून 2023 को सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी थी, जिसे लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए थे। आज सुबह मंत्रालय में आग लगी, वल्लभ भवन जो मंत्रालय कहलाता है राज्य मंत्रालय, इस मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लगी और आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और आग ने टॉप फ्लोर पर बने तमाम दफ्तर उनकी फाइलें अपने चपेट में ले ली। बताया जा रहा है कि इस आग से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हुए हैं। बार बार आग लगती है और सवाल कई खड़े होते हैं, विपक्ष भी सवाल खड़े करता है कि आखिर आग क्यों लगती है, क्या भ्रष्टाचार की फाइलें जलाई जाती है। इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन आग सतपुड़ा भवन में लगी थी कुछ महीने पहले और उसके बाद वल्लभ भवन में लगी है, सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। इधर गुना में अंधविश्वास का एक हैरतअंगेज मामला सामने आया। शमशान में जलती चिता के सामने कुछ तांत्रिक क्रिया करते हुए नजर आए। जब परिजन मृतक की शांति के लिए कुछ सामान छोड़ने शमशान पहुंचे तो ये सब देखकर उनके होश उड़ गए। जलती चिता के सामने तीन युवक बैठकर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। देखिए इस मामले पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सिर के ललाट में त्रिपुंड लगाए और काले वस्त्र पहना ये तांत्रिक एक युवक की जलती चिता के सामने तंत्र क्रियाएं करते हुए पकड़ा गया है। ये और इसके दो अन्य साथी जलती चिता के सामने बैठकर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। ये पूरा वाक्य गुना जिला के गोपालपुरा शमशान का है, जहां एक परिवार 29 साल के युवक की चिता जलाकर लौटा था। चिता को आग देने के बाद परिवार घर जा चुका था, लेकिन मृतक की आत्मा की शांति के लिए कुछ सामान छोड़ने जब उसका भाई शमशान पहुंचा तो अपने भाई की चिता के सामने तांत्रिकों को देखकर उसके होश उड़ गए। मैंने ऊपर चढ़ के देखा तो यहाँ पर पूजा हुई हुई थी, जिसमें फूल रखे हुए थे और उसके बाद में उस साइड में एक थैली थी जिसमें चावल हल्दी वगैरह थे और कमलगट्टे टाइप के रहते हैं वो थे, तेल था और एक थैली में राख रखी हुई थी और एक चाकू था जिसमें पूजा हुई हुई थी, वो चीज़ उनके पास से हमें बरामद हुई। जिस युवक की चिता जल रही थी उसका भाई बार बार तांत्रिकों से शमशान आने का कारण पूछता है, लेकिन तांत्रिक कुछ भी बता नहीं पाते। तो 5 जगह की राख लेके जा रहे थे तुम पूजा करके, ये भी नहीं पता कौन सी जगह है, कौन सी ये भी नहीं पता, ये राख ले जा रहा है भैया की मेरे, इतने बापू जा रहे हैं बड़े बुलबुल। परिवार को मामला सबसे ज्यादा संदेशपद इसलिए भी लगा क्योंकि मरने वाला युवक कुछ दिन पहले ही भगवान के दर्शन को केदारनाथ गया था, जहां उसकी मौत हो गई। तांत्रिक को युवक के बारे में कैसे पता चला, महाशिवरात्रि की रात ही तांत्रिक क्रियाएं कई सवालों को जन्म दे रहा है। भैया गए थे केदारनाथ दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से लौट रहे थे, वहाँ से लौटते मैं कहीं पे भंडारा हो रहा था तो कुछ पूड़ी वगैरह उन्होंने खाई, पानी वानी पीने गए तो छाती में पेन हुआ उनको, दोस्त थे उनके जो साथ में गए थे पारस भैया, कार में भैया को लिया, भैया अचेत थे कि डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शमशान में तांत्रिक क्रियाएं करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है, साथ ही तांत्रिकों के बारे में जानने की कोशिश भी की जा रही है।
साथ ही युवक के बारे में उन्हें कैसे पता चला, इस सवालों को तलाशने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। नीरज योगी, IBC 24, गुना। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन अब दूसरी लिस्ट के लिए दिल्ली में बीजेपी का मंथन चल रहा है। आज रात दिल्ली जाएंगे एमपी बीजेपी के नेता सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हरियाणा से सीधे दिल्ली पहुंचेंगे हितानंद शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय तो दिल्ली में पहले से ही मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान अब दिल्ली जाने वाले हैं। बची हुई 5 सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा और कल 5 सीटों पर नामों का ऐलान भी हो सकता है। और अब सीधे बात करेंगे उज्जैन की। परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि आज बाबा महाकाल की दोपहर में भस्म आरती की गई। सबसे पहले बाबा महाकाल को पंचामृत स्नान कराया गया, फिर चंदन, इत्र और केसर समेत सुगंधित द्रव्यों से लेपन किया गया। इसके बाद भस्म आरती रमाई गई। भस्मी चढ़ाने के बाद बाबा को वस्त्रों से श्रृंगार उनका किया गया, साथ ही 1 क्विंटल फूलों का सहरा भी उन्हें बांधा गया। इसके बाद भस्म आरती की गई। बता दें कि साल में एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन दोपहर में बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है और बाकी दिनों सुबह में भस्म आरती की जाती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर कोट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।